अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पूरी दुनिया में आम किया है। यही वजह है कि आज हर मजहब और मिल्लत के लोग अकीदत के साथ बारगाहे ख्वाजा में हाजिरी देने आते हैं। लेबनान के अम्बेसडर लेबरनाश और इंडियन लेबनी फ्रेंडशिप सोसाइटी की चेयरपर्सन पारुल महाराजन शुक्रवार को अजमेर दरगाह पहुंची। रूहानी माहौल में इन दोनों अकीदतमंदों ने बारगाहे ख्वाजे में चादर और अकीदत के फूल पेश किए और जियारत के बाद सलमान चिश्ती ने इन मेहमानों को इफ्तार पर दावत दी। हिंदुस्तान में और खासकर अजमेर दरगाह में इस मुकद्दर मौके पर शिरकत करके लेबनान के एम्बेसडर लेबरनाश को बहुत खुशी हुई। चादर ऑफ पीस, एक मैसेज ऑफ पीस देने के लिए लेबनान की तरफ से, बिकॉज आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पीस की है, शांति की है, ब्रदरहुड की है, भाईचारे की है। तो वही मैसेज लेकर हिज एक्सेलेंसी लेबरनाश के साथ मैं एक बार चादर, पीस की चादर चढ़ाने आई हूँ लेबनान से। एंड हम लोग बहुत जल्द एक इंटरफेथ कॉन्क्लेव प्लान कर रहे हैं सलमान भाई के साथ, एक्सेलेंसी प्लान कर रहे हैं लेबनान में, जहाँ पर हम लोग भारत और लेबनान के रिश्तों के साथ साथ एक पीस और एक ब्रदरहुड का मैसेज सारी दुनिया में फैलाना चाहते हैं कि सब आपस में प्यार से रहें और शांति और अमन से रहें। बड़ी खुशी की बात है कि माह रमज़ान अल मुबारक में आज 10 रमज़ान की मुबारक रात है, हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा उनकी मुबारक दिन है, और आज बारगाह गरीब नवाज में एम्बेसडर ऑफ लेबनान हिज एक्सीलेंसी रेबरनाश यहाँ पर हाजिर हैं हाज़री के लिए हमारी बहन पारुल महाजन साहिबा के साथ, जो अपने आप में ऐसा एक किरदार निभा रही हैं कि हमारे देश भारत का परचम सिर्फ लेबनान ही नहीं बाकी तमाम जितनी ही दूतावास हैं दिल्ली में, जितनी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे, एक ऐसी शख्सियत है कि देश के परचम को सिर्फ एम्बेसडरों तक नहीं लेकिन उनके कल्चर्स तक लेके जाने के लिए